हिंडनबर्ग मामले में एक्सपर्ट कमेटी ने अडानी ग्रुप को क्लीन चिट दे दी है। एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि पहली नज़र में किसी कानून का उल्लंघन नहीं हुआ है, अडानी समूह ने शेयर प्राइस मैनिपुलेशन का कोई काम नहीं किया है, सेबी को कीमतों में बदलाव की पूरी जानकारी थी, ये कहा गया इसमें। तो आइए हम आपको ग्राफिक्स के जो अहम बातें हैं, मेन पॉइंट्स जो हैं वो बता देते हैं। तो जो हिंडनबर्ग केस था उसमें अडानी ग्रुप को क्लीन चिट मिल गई है, और सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी की जो खास बातें हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। पहली नज़र में किसी कानून का उल्लंघन नहीं हुआ, शेयरों की कीमत बढ़ने में कानून का उल्लंघन नहीं, सेबी को कीमत में बदलाव की पूरी जानकारी थी, अडानी ग्रुप ने शेयरों की कीमतों को प्रभावित नहीं किया, अडानी की कंपनियों में गैर कानूनी निवेश के सबूत नहीं मिले, संबंधित पार्टी से निवेश में नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ, अडानी ग्रुप ने लाभ पाने वाले मालिकों के नाम उजागर किए, सेबी ने अडानी ग्रुप से मिली जानकारी को गलत नहीं बताया, न्यूनतम पब्लिक शेयर होल्डिंग को लेकर भी कानून का पालन किया गया, हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप में रिटेल निवेश का हिस्सा बढ़ा, हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप ने निवेशकों को राहत देने की कोशिश की, हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद शॉर्ट सेलरों ने मुनाफा कमाया, इसकी जांच हो। ये तमाम निष्कर्ष आखिरी नहीं है क्योंकि सेबी की जांच भी जारी है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ ईशकरण सिंह भंडारी, वरिष्ठ वकील, मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। भंडारी सर, आप ये बताइए, आप इस रिपोर्ट को किस तरह से देख रहे हैं और कितनी महत्वपूर्ण है ये? जी, ये बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट है क्योंकि इसके अंदर ईशकरण भंडारी बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई थी सारी एलिगेशन के अंदर जाके उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और इसने अपनी रिपोर्ट दे दी है। तो ये जो प्राइमा फिसाया उन्होंने पाया है कि जो सबसे बड़ी एलिगेशन थी प्राइस मैनिपुलेशन को लेके, उस एलिगेशन पे उन्होंने पाया है कि कुछ भी नहीं मिला है। दूसरी जो एलिगेशन थी कि वॉशिंग ट्रेड हो रहा है, कि बार बार सेम लोग ही ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, उस पर भी उन्होंने रिपोर्ट दे दी है कि कुछ नहीं पाया गया है। ये सब ऐसे ही मीडिया में भ्रम फैलाया जा रहा था, क्योंकि जब जांच की गई है तो उसके अंदर भी कुछ नहीं पाया है। आर्टिफिशियल ट्रेडिंग पैटर्न्स के ऊपर भी उन्होंने कह दिया है कि कुछ नहीं पाया गया है, और मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग वो बढ़ गई है जब से ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई है। तो जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग है वो भी बढ़ गई है। तो ब्रॉडली अगर बोला जाए, अभी ऑब्वियसली ये इंटरिम रिपोर्ट है, तो जो जो सारे मुख्य बातें थी, जो एलिगेशंस लग रही थी, उनकी जांच के बाद और सेबी की जांच के बाद उन्होंने पाया है कि इन एलिगेशंस में अभी कोई तथ्य दिख नहीं रहा है, और अभी कुछ भी ऐसी बात नहीं है जिसमें कहा जा सकता है कि लॉ टूटा है या लॉ का उल्लंघन किया गया था। जी, और आपने जिस तरह से कहा कि मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग बढ़ी है, तो एक तरह से जो निवेशक है उसका विश्वास कायम है, बड़ा है, ये एक बहुत बड़ा संकेत है। मैं अगर पढ़ के बता दूं आपको, वो कह रहे हैं एम्पिरिकल डाटा, मतलब जो डाटा आया है, क्योंकि आजकल आपको पता है सारा डाटा एक मिनट में हो जाता है टेक्नोलॉजी के अंदर, तो वो डाटा बता रहा है कि रिटेल इन्वेस्टमेंट एक्सपोजर अडानी स्टॉक को मल्टीपल टाइम्स बढ़ा है 24 जनवरी के बाद, और जो ग्रुप ने मेजर्स लिए हैं अपने लोन्स पे ऑफ करने के लिए, जो भी नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं, उससे पब्लिक कॉन्फिडेंस काफी बढ़ा है और अब स्टेबल हो गया। बिल्कुल, ये बहुत अहम बात आप कह रहे हैं कि स्टेबल हो गया। तो जो तमाम आरोप राउंड टिपिंग को लेकर, शेयर प्राइस मैनिपुलेशन को लेकर ये लगे थे, तो एक तरह से पहली नजर में इसमें कुछ नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा कमेटी कह रही है। बिल्कुल, कह दिया, उन्होंने कहा है कि कोई आर्टिफिशियल ट्रेडिंग नहीं हुई है, और आर्टिफिशियल ट्रेडिंग नहीं हुई और कोई वॉश ट्रेडिंग नहीं हुआ, कि मतलब सेम लोग ही आपस में बेचते रहे, प्राइस बढ़ाते रहे, जो एलिगेशन थी उसमें कोई तथ्य नहीं। ईशकरण साहब, आपका अपना असेसमेंट, क्योंकि अगर एक तरह से ये क्लीन चिट मिली है पहली नजर में, ये अपने आप में जो मार्केट में कॉन्फिडेंस है इससे और बढ़ेगा? मार्केट में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, प्लस साथ ही साथ अभी ये जांच भी होगी कि अगर ये फेक न्यूज थी, तो अगर किसी कंपनी की आप प्राइस को गिराने के लिए
जानबूझ के फेक न्यूज स्प्रेड करते हैं, तो अडानी ग्रुप के पास लीगल राइट होगा एक्शन लेने के लिए उसके लिए, और रेगुलेटर के बाद भी एक्शन होगा कि अगर कोई कार्टेल बना के झूठी न्यूज फैला के कर रहा था, तो जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था उसने हर पहलू की जांच का ऑर्डर किया था, तो अगर एक बार अडानी को क्लीन चिट मिलती है तो कौन कर रहे थे उसके ऊपर भी जांच होनी उचित है, मार्केट के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए और इंडियन कंपनीज के लिए। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए ईश्करण जी। हमारे साथ अब जे एन गुप्ता हैं, फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सेबी हमारे साथ जुड़ गए हैं। धन्यवाद गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर आप जरा एक्सप्लेन करिए, जो ये आज क्लीन चिट मिली है हिंडनबर्ग मामले में अडानी ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट द्वारा कमिटी द्वारा, किस तरह से आप इसे देख रहे हैं, इसका कितना असर, कितनी महत्वपूर्ण है? देखिए मैं जैसे पहले बोल चुका हूं और हमने पहले भी अपनी रिपोर्ट निकाली थी, सिर्फ दो एस्पेक्ट थे जिसके ऊपर क्लैरिटी नहीं थी मार्केट में, जो जानकार लोग हैं उनके पास नहीं थी। एक था कि इक्विटी स्ट्रक्चर या होल्डिंग स्ट्रक्चर क्या है, दूसरा था कि क्या प्राइस मैनिपुलेशन हुआ है। और मैंने पहले भी काफी डिबेट में बोला था कि जितना मार्केट कैप अडानी के स्टॉक का है उसमें लगता नहीं है कि प्राइस मैनिपुलेशन हुआ है, खास तौर से जबकि सेबी का सर्विलेंस सिस्टम आज दुनिया में लगभग सबसे स्ट्रॉन्ग सर्विलेंस सिस्टम है। आज जो रिपोर्ट आई है उसमें उन्होंने सीधे सीधे बोल दिया है कि कोई भी प्राइस मैनिपुलेशन के सिग्नल नहीं है। सेबी ने जब भी अपना करा है और जांच करी है, कोई भी प्राइस मैनिपुलेशन के सिग्नल नहीं है। रही बात जो ओनरशिप स्ट्रक्चर की है, और सेबी ने भी सुप्रीम कोर्ट में बोला है कि हमने काफी ज्यूरिसडिक्शन को लिखा हुआ है, 13 ज्यूरिसडिक्शन को लिखा हुआ है, कमिटी ने भी यही बोला है, और वो आज भी क्लियर नहीं है। तो उस मामले में ना हम अडानी को गिल्टी बोल सकते हैं ना क्लीन चिट दे सकते हैं, बट एज फार एज आई नो जो मार्केट में ओनरशिप के बारे में जो अफवाह थी जो है वो आज भी क्लियरिफाई नहीं हुई है। लेकिन ये ओनरशिप के बारे में जो प्रॉब्लम है ये मार्केट में पब्लिक डोमेन में बहुत पहले से थी।